Good morning, students. You all are welcome in this video session class. Today we will discuss about the new topic, lesson 5, the magpie lesson. Sorry students, previous video में हम लोगों ने lesson 5 का कुछ parts को study किया था. Today we will discuss about the next part of the magpie lesson. हम लोग next part को स्टडी करेंगे. दिस वीडियो इज रिलेटेड टू क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग जो लेसन 5 से रिलेटेड था मैंने आप लोगों को नोट करवाया था और कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वर्ड मीनिंग है मिडो. मिडो मीन्स ओपन ग्रासी एरिया, जो टॉल ग्रासेस हो, लंबी लंबी घासेस हो, ओपन एरिया जहाँ पे टॉल ग्रासेस हो, दैट मीन्स इन द मिडो. नेक्स्ट वर्ड है डोम, राउंडेड रूफ लाइक स्ट्रक्चर. डोम मीन्स होता है गुंबद, राउंडेड होता है बिल्कुल गोल, जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर, रूफ जो होता है वो डोम साइज का होता है, गुंबदाकार होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बांस, लार्ज बिल्डिंग्स वेयर एनिमल्स और क्रॉप्स आर केप्ट. वो लार्ज बिल्डिंग, बड़ा सा बिल्डिंग जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है या क्रॉप्स फसल को रखा जाता है, दैट मीन्स बांस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है ईएप्स, लोअर एज ऑफ अ रूफ. रूफ का, छत का जो लोअर एज होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है रूफ छत का, उसे दैट मीन्स ईएप्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेसन 5 की ओर चलते हैं. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैगपाइज लेसन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे मैगपाई अदर बर्ड्स को नेस्ट बनाना टीच कर रही थी, सिखा रही थी कि कैसे नेस्ट बनाया जाता है, क्योंकि पूरे होल वर्ल्ड में सिर्फ सिंगल ऐसा बर्ड था मैगपाइज जिसे नेस्ट बनाना आता था, कि हाउ टू बिल्ड नेस्ट, नेस्ट कैसे बनाया जाता है सिर्फ मैगपाइज जानती थी. सो अदर बर्ड्स सभी मैगपाई से नेस्ट बनाना लर्न करना चाहते थे, सीखना चाहते थे. सो सभी बर्ड्स मिलकर के मैगपाई के पास जाती है और उससे प्लीज प्रार्थना करती है कि मुझे भी वो घोंसला बनाना सिखा दे. तो ये सब पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे आज कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विथ मड, मिसेज मैगपाइज वेंट ऑन. अब मिसेज मैगपाई अपना जो टीच है, लेसन है, वह कैरी ऑन रखती है, जारी रखती है, वो यानी बर्ड्स को नेस्ट बनाने के बारे में सिखाती रहती है, लेसन सिखाती रहती है, तो उसको कैरी ऑन रख करती है. फिर आगे बोलती है कि नेस्ट को अंदर से मड, मड मीन्स होता है कीचड़, जो घोंसला है उसको कीचड़ से अंदर से उसको कवर करना है. देन लाइन इट विथ सॉफ्ट ग्रास सो. और सो का मतलब यहाँ कि वो प्रैक्टिकल करके बता रही है कि ऐसे ऐसे नेस्ट बनाया जाता है, मिसेज मैगपाई प्रैक्टिकल करके बताती है. सो आगे कहती है कि और इस लाइनिंग पे सॉफ्ट ग्रास के साथ लाइनिंग बनाना है, मुलायम मुलायम घास के साथ लाइनिंग बनाना है. डियर डियर, सो मच वर्क टू मेक अ नेस्ट, यॉन्ट वीप पुअर विल. वीप पुअर विल जो है वह बोलती है डियर डियर, मुझे नेस्ट बनाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा कि मैं इतना वर्क नहीं कर पाऊंगी. बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करता है नेस्ट बनाने के लिए, सो मैं इतना वर्क नहीं करूंगी. ये मिस वीप पुअर विल करती है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल एंड द लेजी बर्ड हैज नॉट मेड अ नेस्ट फ्रॉम दैट डे टू दिस. और मैं इतनी परेशानी ट्रबल नहीं उठाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रबल, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी वर्क करना पड़ता है नेस्ट बनाने में, सो मैं अपना नेस्ट बनाने के लिए इतना वर्क नहीं करूंगी, इतना परेशानी मैं नहीं उठाऊंगी. एंड द लेजी बर्ड हैज नॉट मेड अ नेस्ट फ्रॉम दैट डे टू दिस. तो उस दिन
वो लेजी पार्ट यानी विस पुअर विल उस दिन वो घोषणा नहीं बनाते, हैज नॉट मेड अनेस्ट, उस दिन वो अपना घोषणा नहीं बनाती है क्योंकि वो सोचती है कि घोषणा बनाने बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, ट्रबल है। सो उस दिन वो लेजी पार्ट अपना घोषणा नहीं बनाती है। ही जस्ट लेज हर एक इन अ हॉलो इन द ग्राउंड और परहैप्स ऑन ए लॉट। और उसी दिन से वह अपना एक अंडा जो लेज करती है रखती है वह ग्राउंड पे रखती है जहाँ हॉलो हो यानी कुछ डीप टाइप गड्ढा टाइप का हो वहां पे वह अपने एग्स को रखती है। परहैप्स ऑन ए लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का कुछ हिस्सा, लट्ठा जिसको बोलते हैं, तो वह अपना एग जो है वह लॉग पे रखती है। हु वुड गो टू ऑल द ट्रबल That trouble, put it the owl, I think I have a better plan. तभी आउल उल्लू बोलती है कि कौन इतना परेशानी ट्रबल कठिनाई उठाएगा, कौन इतना परेशानी उठाएगा नेस्ट बनाने में। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक बेटर प्लान है, एक अच्छा आइडिया है नेस्ट बनाने का। She looked very wise but said no more. You can guess what her plan was when You find her egg in a crow or hawk's old nest. अब आउल बोलती है कि मैं अपना एग जो है वह क्रो और हॉक्स के जो ओल्ड नेस्ट है, ओल्ड नेस्ट यानी पुराना घोंसला जो जिसे क्रो और हॉक छोड़ चुकी है, उस पुराने घोंसले में मैं अपने एग्स को रखूंगी कि कौन इतना परेशानी उठाने जाएगा, कौन इतना तकलीफ उठाने जाएगा घोंसला बनाने के लिए। सो मैं अपना एक जो है वह क्रो और हॉक के ओल्ड नेस्ट में, पुराने नेस्ट में रखूंगी। नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक्स बिगिन द मैगपाई वंस मोर। और मैगपाई फिर से लेसन स्टार्ट कर देती है, फिर आगे बोलती है कि आपको मोर मड एंड स्टिक्स, आपको और भी मड्स लेना होगा और ज्यादा स्टिक्स लेना होगा। You should build a dome over your nest. अब आपको अपने घोंसला के ऊपर डोम्ब बनाना होगा, गुंबद बनाना होगा। That is to hide the little ones and to keep out the rain. डोम्ब क्यों बनाना पड़ेगा? इसलिए डोम्ब बनाना पड़ेगा क्योंकि डोम्ब जो है आपको रेन से बचाएगा और आपके जो बच्चे होंगे वह सेफ रहेंगे और उस डोम्ब में आपके बच्चे हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे, जिससे आपको रेन से बचाव होगा। और नेवर माइंड द डोम सेड द रॉबिन, और रॉबिन कहती है कि डोम कौन बनाने जाएगा। आई विल कवर माई लिटिल वंस विद माई विंग्स, मैं अपने बच्चों को अपने पंख से ही कवर कर लूंगी, डोम कौन बनाने जाएगा। आई कैन हाइड देम एंड कीप ऑफ द रेन, और रॉबिन कहती है कि मैं अपने बच्चों को अपने विंग्स में हाइड कर लूंगी, छुपा लूंगी और उसे मैं उसे रेन से भी सेफ बचा लूंगी। यू आर राइट मिसेज रॉबिन सेड द क्रो, क्रो कहता है कि तुम ठीक बोल रही हो मिसेज रॉबिन, यू आर राइट मिसेज रॉबिन, तुम ठीक बोल रही हो रॉबिन कि डोम कौन बनाने जाएगा, डोम बनाने में बहुत ट्रबल है, परेशानी है, तो डोम कौन बनाने जाएगा। वी हैव नो यूज फॉर डोम्स, हम लोग डोम्स का यूज नहीं करेंगे, डॉम्स हम लोग के लिए। एंड टू दिस डे नाइदर रॉबिन नॉर क्रो हैव बिल्ट डॉम्स ओवर देयर नेस्ट। तभी से क्रो और रॉबिन जो है वो अपने घोंसले के ऊपर डॉम नहीं बनाती है, गुंबद नहीं बनाती है। मिसेज मैगपाई वेंट ऑन बिल्डिंग हर नेस्ट जस्ट एज हिज न्यू इट आउट टू बी बिल्ट, सून इट वॉज डन डोम एंड ऑल। मिसेज मैगपाई अपने घोंसले को बिल्डिंग बनाती रहती है और वह कहती है कि घोंसला को इस तरह से बनाया जाता है डोम के शेप में, डोम दे करके, और इट वॉज डन डोम एंड ऑल, इस तरह से आपका सभी डोम जो है वह डन हो गया, कंप्लीट हो गया। इंडीड मिसेज मैगपाई सेड द स्वालो विल लाइक योर नेस्ट, द डोम इज अ फाइन थिंग। वास्तव में मिसेज मैगपाई स्वालो से कहती है, सॉरी स्वालो कहती है मिसेज मैगपाई से कि यू लाइक योर नेस्ट, हम लोग तुम्हारे नेस्ट को लाइक करते हैं,
द डॉम इज अ फाइन थिंग, डॉम एक बहुत ही अच्छा चीज है जो रेन से सेव करता है, बचाता है, और उसमें वॉन्स बेबी वॉन्स भी सेव करता है. तो डॉम इज अ फाइन थिंग, अच्छी थिंग्स है, बट वाई शुड बी बिल्ड इट. लेकिन हम लोग इसे क्यों बनाएंगे, हम लोग डॉम को क्यों बनाएंगे. There are plenty of domes already built. यहाँ तो पहले से ही बहुत सारे डॉम बने हुए हैं. We only need to make our nest under them. हम लोगों को सिर्फ इसके अंदर, इस डॉम के अंदर सिर्फ नेस्ट रखने की जरूरत है, घोंसला बनाने की जरूरत है. Ever since then, many swallow build their nest on buildings, often under a roof or a windowless. और प्रायः मेनी श्वालोज जो अपना नेस्ट बनाती है वह बिल्डिंग्स में बनाती है, अंडर द रूफ छत के नीचे बनाती है, और विंडो जो लेज होता है उसके ऊपर बनाती है. अदर हैव मेड देयर अंडर रूफ और ओपन बांस एंड स्टिल अदर अंडर इव्स. और श्वालो जो है अपना नेस्ट रूफ के नीचे बनाती है और बांस में बनाती है, यानी जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और क्रॉप्स को रखा जाता है, क्रॉप्स आर केप्ट, एनिमल्स आर केप्ट, वहां पे उस बिल्डिंग में स्वालो अपना नेस्ट बनाती है. सो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट मिसेज मैगपाई विदाउट सेइंग थैंक यू. और इस तरह से सभी बर्ड्स फ्लू अवे, उड़ गए मिसेज मैगपाई को थैंक यू बिना बोले हुए, क्योंकि मिसेज मैगपाई सारे बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखा रही थी, तो सभी को थैंक यू बोलना चाहिए. लेकिन सभी बर्ड्स बिना थैंक यू बोले हुए वहां से फ्लू उड़ जाती है. ईच वन बिल्ट हर नेस्ट एज ही प्लीज्ड एंड ईच वन थॉट हर वे टू सो मच बेटर देन द मैगपाई. और इस तरह से सभी बर्ड्स अब सोचने लगती है कि हम लोग अपने अपने तरीका से नेस्ट बनाएंगे, मिसेज मैगपाई से भी अच्छा हम लोग नेस्ट बना सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, और इस तरह से हम लोग अपने तरीका से नेस्ट बनाएंगे. द मैगपाई स्टिल बिल्ट हर नेस्ट एट द टॉप ऑफ ए हाई ट्री. सी मेक्स इज ऑफ मड एंड स्टिक्स एंड कवर इट विद हर डॉम टू मेक इट कंफर्टेबल एंड कोजी. और इस तरह से मैगपाई अपना घोंसला जो है वह हाई ट्री के टॉप पर, हाई ट्री के टॉप पे अपना घोंसला बनाती है, और फिर उस घोंसले को स्टिक से, मड से कवर करती है. एंड कवर इट विद हर डॉम, और उसके बाद वो डॉम बनाती है ताकि वह नेस्ट जो है कंफर्टेबल हो, कोजी हो, आरामदायक हो. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैगपाई ने ऑल बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखाती है, लेकिन सभी बर्ड्स मैगपाई के लेसन को सुनती है, लेकिन सभी बर्ड्स जो है वो अपने तरीके से नेस्ट को रखती है, बनाती है. तो स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क इज वर्ड मीनिंग आपको तो नोट करना है, उसको लर्न कर लेना है, और मैगपाई लेसन को रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ गुड डे.